हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो चुके हैं और जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी इंट्यूशन है, वही यूनिवर्स की वॉइस है। तो इस तरह की क्योरी और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जहाँ पे जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, जो बहुत टाइम से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हमें कैसे कंफर्म होगा कि जो हम सोच रहे हैं वही हमारा सोल पर्पस है। हमें क्या साइन मिलेंगे, हमारे साथ क्या इवेंट्स होंगे जिससे हम श्योर शॉर्ट समझ सकते हैं कि जो हम सोच रहे हैं इसी पे हमें वर्क करना है और यही यूनिवर्स की मर्जी है। आज मैं आपको 5 ऐसे साइन बताने वाली हूँ, 5 ऐसे इवेंट्स बताने वाली हूँ, वो आपकी लाइफ में तब होंगे जब आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो जाते हैं और आपको ज़रूर ये इंट्यूशन आएगी कि आपको आपका सोल पर्पस मिल चुका है। अगर ये साइन आपको मिलते हैं तो आप श्योर हो जाइए कि जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। साइन नंबर 1 होता है कि यूनिवर्स स्टार्ट हेल्पिंग अस। जब तक हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तब तक हम यूनिवर्स से हेल्प मांगते हैं, उस सुप्रीम पावर से हेल्प मांगते हैं। पर जब हम उस रोड मैप को फॉलो करते हैं जो डिवाइन ने बनाया है, तब यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है। आप कहेंगे कैसे हेल्प करता है? यूनिवर्स आपके पर्पस के लिए जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्स है, जो भी रिक्वायर्ड पर्सन है, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो अपने आप आपकी लाइफ में भेजेगा। आपके मन में ये कन्फर्मेशन के लिए एक विचार आया कि क्या मेरा यही पर्पस है, और आप देखेंगे आप ऐसे इवेंट में जाते हैं जहाँ पे आपको उससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, या आप ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो आपकी लाइफ में उस चीज़ से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ अपने आप आपके साथ होने लगती हैं और आपको एहसास होता है कि ये तो बस मैं सोच रहा था, ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की, ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। तो ये कन्फर्मेशन साइन है कि यूनिवर्स अब आपकी हेल्प कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 होता है कि आपकी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको अभी तक डाउट था कि कोई सुप्रीम पावर है या नहीं है, या गॉड है या नहीं है, इस तरह का कोई डाउट था आपके मन में, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल होते हैं जिसे आप किसी से कह नहीं सकते, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी इंसिडेंट होते हैं जिसपे आपको श्योर करवाया जाता है कि एक सुप्रीम पावर है जो हर वक्त आपके साथ है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे मल्टीपल इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सामने से आपके सामने से आती है। आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं जो 5D वर्ल्ड से हैं, या जो पर्सन हिस्ट्री में थे, वो पर्सन आपसे मिलते हैं या उनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्लू आपके लाइफ में भेजा जाता है। आप ड्रीम में ऐसे लोगों से मिलते हैं, कई बार आप एस्ट्रल ट्रेवलिंग भी करते हैं, कई बार आप स्वप्न में ऐसी जगहों पर जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं। ये कंफर्म कराने के लिए कि आपके साथ यूनिवर्स है और आपको उस सुप्रीम पावर पर, वो जो दिव्य शक्ति है, उस पर विश्वास दिलाया जाता है। जो अगली चीज़ होती है जिसे आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो चुके हैं, वो ये है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, थर्ड आई सक्रिय हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लग जाता है। इसे कैसे जानेंगे? आपकी जो इंट्यूशन है वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आपको खुद से रिलेटेड और अपने आसपास के जो लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, इनसे रिलेटेड इनके फ्यूचर के विजन्स आने लगते हैं। आप किसी को यूं ही कह देते हैं कि ऐसा होने वाला है और सच में वो चीज़ हो जाती है, या आपको सामने वाले से बिना बात किए उसकी इंट्यूशन क्या है, उसके इंटेंशन क्या है, ये समझ में आने लगता है। आप वाइब्रेशन को फील करने लगते हैं। आपके लिए टेलीपैथी काम करता है। टेलीपैथी, आप मन में सोच कर किसी को विचार भेज सकते हैं या उसके विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं जब आपका थर्ड आई सक्रिय होने लगता है। तो जब भी आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन होते हैं तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है, सक्रिय हो जाता है। जो अगला इवेंट है या जो अगला साइन है वो ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सिंक्रोनाइजेशन होते हैं। जैसे आप कुछ सोच रहे हैं कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, ये सही है या गलत है, उसी वक्त आपको एंजेलिक नंबर दिखाई दे जाएगा। आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन का सामने से कॉल आ जाएगा। आप कोई इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स से मांग रहे हैं और उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग या तो आपको ड्रीम में नॉलेज दी जाएगी, या तो जागृति में ही आपके सामने उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आएगी, और साथ में आपको एंजेलिक नंबर
या कोई भी यूनिवर्स का साइन दिया जाएगा। हो सकता है आप अपने मन में चिंतन कर रहे हैं और आप यूनिवर्स से बातें कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी वक्त आप देखेंगे कि बारिश शुरू हो गई, ये भी एक साइन है। उसी वक्त देखेंगे कि आप लाइटनिंग हो रही है बादलों में, तो ये भी एक साइन है। मतलब आपको नेचर से साइन दिए जाएंगे बार बार और ये सारे सिंक्रोनाइजेशन आपके लाइफ में होने लगेंगे। तो इस तरह के इवेंट्स होने लग जाते हैं जब आप अपनी लाइफ में सोल पर्पस के साथ जुड़ जाते हैं। और जो फिफ्थ साइन होता है वो ये होता है कि अब आपके लिए जो मनी है वो सेकेंड प्रायोरिटी हो जाती है। पूरी दुनिया भाग रही है मनी के लिए, पैसों के लिए या मटेरियल वर्ल्ड के लिए, और हर किसी को अपनी ज़रूरतें, अपने परिवार के पोषण के लिए आवश्यक सामग्री की ज़रूरत है। लेकिन जब आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो जाते हैं तब आप सरेंडर करना सीख जाते हैं, आप यूनिवर्स पर विश्वास करना सीख जाते हैं कि मुझे अपना ड्यूटी करना है, मुझे अपना जॉब करना है जो यूनिवर्स ने दिया है, और मेरे लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्स पूरी करेगा। जब आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, उस वक्त भी आप हाथ खड़े कर लेते हैं, यानी आप सरेंडर कर लेते हैं डिवाइन को। तो ये जो समर्पण का भाव है ये अपने आप आपके अंदर आने लगता है। इस तरह के 5 इवेंट्स अगर आपके साथ होने लगे हैं तो जो आप सोच रहे हैं कि ये मेरा सोल पर्पस है या नहीं, तो वही आपका सोल पर्पस है। हमारी एक फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने इस बारे में पूछा था कि मेरा सोल पर्पस जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है क्या वो है या नहीं। यही क्वेरी आपकी भी हो सकती है। तो ये साइन अगर आपको मिलते हैं तो आप कंफर्म हो जाइए वही आपका सोल पर्पस है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।